हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़िया है। वेलकम टू माय चैनल टिप एंड ट्रिक टीवी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई यूज़फुल और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि हर यूट्यूबर की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें ताकि हम हर वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम स्क्रीन रिकॉर्डर है। स्क्रीन रिकॉर्डर वैसे तो आपको प्ले स्टोर, गूगल और ऐप स्टोर से बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं सर्च करके आपके लिए लाए हूँ, यकीन माने अगर आप एक बार इसको यूज़ कर लेंगे तो दोबारा आप किसी भी दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में नहीं सोचेंगे। इंतहाई मुफीद, इंतहाई यानी कि यूनिक किस्म का स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं और कुछ फीचर्स में पेड भी हैं, लेकिन उनकी नॉर्मली हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे तो आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में सिंपल सर्च करना है आई आर स्क्रीन रिकॉर्डर। तो दोस्तों, जो ही आप आई आर स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपको नज़र आएंगी, लेकिन इनमें से आपने कौन सी एप्लीकेशन चूज़ करनी है, तीसरे नंबर पर HD स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर, इस पे आपने दोस्तों क्लिक करना है और इस स्क्रीन रिकॉर्डर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है ताकि वीडियो में टाइम को बचा सकें, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है या आपने मोबाइल से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये परमिशन मांगेगा, आप इसको परमिशन दे दें, अलाउ कर दें। अलाउ के बाद सबसे नीचे राइट साइड पे आपको कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और पहला ऑप्शन रेजोल्यूशन का है, इसमें 720 कर दें। दूसरा ऑप्शन जो है वो बिट रेट है, इसमें आप ऑटो पे रखें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी बिट रेट, अगर आप साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बिट रेट को चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है फ्रेम का, 25 फ्रेम पर सेकंड पे रखें, इससे ज़्यादा या कम की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ओरिनेशन है यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप पे रखें। और इसके बाद नॉर्मल सेटिंग्स यहाँ तक ही हैं, इसके अलावा ज़्यादा सेटिंग्स को आप मत छेड़ें। और यहाँ पे आपको एक काउंटडाउन मिलेगा जो कि क्यों ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ से 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड या जितना भी आपको टाइम चाहिए वो आपको टाइम प्रोवाइड करेगा। तो ये रिकॉर्डिंग से पहले का टाइम, ताकि आप रिकॉर्डिंग प्रेस करें तो उसके 3 से 4 सेकंड बाद वो स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद ये सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट में मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, इस कर्सर में
आपको स्टॉप का, पॉज का, और इसमें फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, और इसके अलावा आपको इसमें स्क्रीनशॉट, ये सारी फैसिलिटी और ब्रश है मिलेंगी। ये इसी से मैंने कैमरा स्टार्ट किया है, फ्रंट कैमरा। तो आप वीडियो कैप्चर करने या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दरमियान आप अपना कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी किस्म की आपको अगर इंस्ट्रक्शन देनी हो या कुछ भी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।